निवेश के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं? एक वाइन भी है। हाँ, वो कहते हैं कि जितनी पुरानी उतना पता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है टेस्ट के हिसाब से, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, मुझे तो आज तक जितनी महंगी पेंटिंग कभी समझ में नहीं है, यही नहीं समझ में आता कि सीधी इधर से या इधर से। जिन लोगों को बिजनेस की समझ है उनको भाई लक्ष्मी और सरस्वती जी एक साथ तो कम ही होते हैं। अब कोई घोड़े भाग रहे हैं उसके मैं लाखों करोड़ रुपए कैसे दे दूँ, मुझे समझ नहीं आता। मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया और मेरी वाइफ को पता है, और कल कोई शेयर का दाम गिर गया, अरे बड़े पीस मार्का बनते हो, दिन भर ज्ञान देते रहे, तो आज तुमने तो कौन सा शेयर लिया, गिर गया। रिस्क तो इन्वेस्टमेंट में हर जगह, जीरो रिस्क वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। आपने मुझे डिनर पे बुलाया, मतलब मैं इंडिकेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, और आप ये कहेंगे अनिल जी खाली मिठाई 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 खा लो, खाना लगाया खाली चपाती चपाती खा लो, सब्जी की जरूरत नहीं। वो मिक्स होना चाहिए ना, ये मिक्स जब तक आप नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपको हमेशा रिस्क रहेगा। अपना फाइनेंशियल सिटी स्कैन करवा लेने का। स्वागत है आप सभी का, ये है चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, मैं हूँ स्वाति रायना, और निवेश के आसान तरीके हम आपको इस शो में बताते हैं, और हमारे साथ है अनिल सिंघवी। अनिल जी, निवेश के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं? सोने में कितना निवेश हो या रियल एस्टेट में निवेश करना अभी समझदारी है कि नहीं, ये हमने पिछले एपिसोड में जाना था। अब निवेश कैसे और कौन से तरीके हैं, और आप तो पिछली बार बता रहे थे कि ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे ढेर सारे जहां पर पता भी नहीं निवेश होता है, ऐसे कौन से? तो पहले उसी से शुरू करूं क्या? बिल्कुल, देर किस बात की, इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्योंकि आमतौर पर हमें पता है कि बैंक एफडी वगैरह मालूम है, इक्विटी वगैरह मालूम है, वो हम आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। पहली चीज कमोडिटीज, अलग अलग तरह की कमोडिटीज में लोग पैसा लगाते हैं। एक तो ये हो गया सोना चांदी, आप उसे कमोडिटी रखें या बुलियन कह दें। दूसरा है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी हुए, मेटल्स हुए, है ना, इनमें भी लोग बड़ा पैसा लगाते हैं। अच्छा, हाँ, दो तरीके हैं, सीधा जाकर खरीद लें, और दूसरा ये कि आजकल कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, वहाँ इनकी ट्रेडिंग होती है, वहाँ जाकर आप खरीद लें, तो वो भी हैं। तो कमोडिटीज़ में अब मेटल्स आ गए, मतलब क्या क्या नहीं है, पावर, मेटल, हर एक चीज़ ट्रेड होती है आज की तारीख में। खाने पीने में गेहूं ट्रेड होगा आपका, चावल ट्रेड होगा, चना ट्रेड होगा, और धनिया जीरा जो बोलो, मतलब क्या नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है भाई कॉफ़ी में बड़ी तेजी होने वाली है, शुगर में तेजी होने वाली है, चाय में होने वाली है, ये स्टील के दाम बढ़ने वाले हैं, एल्यूमिनियम के बढ़ने वाले हैं, निकल ऐसा हो जाएगा, हजारों चीज़ें, तो आप वो खरीद सकते हैं, और वो बड़ा पॉपुलर तरीका है। और मैं बताऊँ आपको कि दुनिया भर में इक्विटी से ज़्यादा ट्रेडिंग अच्छा कमोडिटीज में होती है। अच्छा, लोगों को लगता है शेयर मार्केट में बड़ा काम होता है, बड़ा वॉल्यूम, ऐसा कुछ नहीं भाई, शेयर बाजार में तो कुछ वॉल्यूम नहीं है कमोडिटीज के सामने, मतलब जबरदस्त लोग धनिया चना चाय कॉफी ये ज्यादा खरीदते हैं। हाँ, मतलब ज्यादा कमोडिटी कमोडिटी से भयंकर ट्रेड होता है दुनिया भर में। तो एक वो है एसेट क्लास जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, अब वो उसके लिए फिर आपको वापस से क्या कहते हैं ना कि अलग अलग जरूरत पड़ेगी सीखने समझने की, कि हर चीज़ के अपने फायदे नुकसान हैं अलग अलग, उसी तरह कमोडिटीज़ में भी पैसा लगाने के अपने फायदे नुकसान हैं। क्या फ़ायदा है उसका? फ़ायदा ये भी कि अगर आपको पता है कि तेज़ी होनी है तो आप खरीद लें, आपके पास ऑप्शन है, और नुकसान ये कि जो चीज़ आपको समझ में ना आए मत खरीदिए। और दूसरा ये कि नुकसान ये कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है कपास में तेज़ी होगी, कॉटन में, खरीद के रखना पड़ जाए तो गोडाउन में कॉटन इतनी सी रखने के लिए कितनी जगह चाहिए समझ रहे ना, तो स्टोर करना वो खराब ना हो ये उसके नुकसान भी हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदेंगे तो वो हमेशा रिस्क रहती है ऊपर नीचे होने वाली, तो अलग अलग चीज़ें, वो हम विस्तार से कभी और बात करेंगे कमोडिटीज़ को लेकर। लेकिन हाँ, एक तरीका और है कमोडिटीज़ का जिससे आप पैसा लगा सकते हैं। इनफैक्ट मुझे मेरे एक पड़ोसी हैं, वो बड़े शौकीन किस्म के हैं, अलग अलग पूरे वर्ल्ड टूर करते हैं, और वहाँ से जाके बढ़िया बढ़िया टाइप की घड़ियों का शौक है उन्हें, चाहे फिर रिस्ट वॉच हो या फिर वॉल क्लॉक हो, कह रहे ये तो एंटीक वॉर है, ये 18th सेंचुरी की घड़ी मैं लेके आया हूँ। और वो लोगों के शौक है कि कई सारी चीज़ें जैसे जैसे पुरानी होती है वैसे वैसे पैसा बना के देती है,
लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज पुरानी होने के बाद पैसा आपका कम करेगी और कौन सी बढ़ाएगी। मैं वही कहने वाली थी, ये शायद सिर्फ कुछ ही कुछ ही कुछ ही चीजों के साथ। हाँ, अब आपने HMT खरीदी है, रोलेक्स, कौन सी घड़ी पैसा बनाएगी आपको पता है, है ना? HMT बंद हो गई और रोलेक्स अगर आपने उसी जमाने में खरीदी होती जब HMT चलती थी, तो आज उस रोलेक्स के दाम क्या होंगे लाखों में। तो घड़ियों का शौक होता है लोगों का, उसमें पैसा बनाते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। हर चीज पुरानी होने के साथ पैसा बनाते हैं, उनमें से एक वाइन भी है, लिकर, अल्कोहल, जितनी पुरानी। हाँ, जो कहते हैं कि जितनी पुरानी उतना, पता नहीं मुझे तो मालूम नहीं है टेस्ट के हिसाब से, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पॉइंट बी नोटेड, हाँ ये जरूर है कि पैसा बनता है, समय के साथ उसका दाम बढ़ता है। तो बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, पुराने उनके पास वो कलेक्शन रहेंगे, वो बॉटल्स रहेंगी, जिससे उनका बड़ा पैसा बनता है, वक्त के साथ उनके दाम बढ़ते हैं, वो एक चीज है। बहुत सारे लोग जो पुराने कुछ इस तरह की स्टैचूज वगैरह ये सब खरीद के रखते हैं, मूर्तियां वगैरह होती है वो रखते हैं, जिसके वक्त के साथ दाम बढ़ते हैं, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। लेकिन वो बात वही है कि वो आपको समझ में आना चाहिए। पेंटिंग्स तो ही उस पर मैं आ रहा हूँ, अच्छा, लेकिन okay, लेकिन उससे पहले वो आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैं खरीद रहा हूँ वो वाकई में सही है क्या, क्या उसके दाम बढ़ेंगे क्या। और मैं ये समझता हूँ ये बाकी सारे इन्वेस्टमेंट करने के तरीकों से ज्यादा मुश्किल काम है, मतलब क्योंकि इसमें आर्टिस्टिक टेस्ट की जरूरत है। हाँ, ये है आर्टिस्टिक टेस्ट के साथ साथ बिजनेस इंटेलिजेंस भी, दोनों का मिक्स कम मिलता है ना। जिन लोगों को बिजनेस की समझ है उनको भाई लक्ष्मी और सरस्वती जी एक साथ तो कम ही होते हैं, है ना, तो दोनों का वरदान साथ नहीं मिलता, वो दिक्कत है। फिर आर्ट्स और पेंटिंग की आप बात करेंगे, वो बड़ा पॉपुलर तरीका है, थोड़ा फेमस भी ज़्यादा है, लोग लगाते हैं। अब मुझे तो आज तक जितनी महंगी पेंटिंग कभी समझ में नहीं, यही नहीं समझ में आता कि सीधी इधर से या इधर से, ठीक है ना। अब कोई घोड़े भाग रहे हैं उसके मैं लाखों करोड़ रुपए कैसे दे दूँ, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा उस घोड़े में। सही के घोड़े इतने सस्ते मिलते हैं, कागज़ के घोड़े महंगे हैं, लेकिन है तो हैं, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई तो खरीद रहा है कोई तो बेच रहा है, तो प्रॉपर्टी बड़े अच्छा। अब उसमें भी समस्याएं हैं, अब इन सब में समस्याएं क्या है, क्या चीज ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट, आप समझते नहीं, पहली बात। दूसरी बात लिक्विडिटी समस्या, वही कोई खरीदने आएगा तो आप बेच पाओगे, आपको बेचने जाना है तो कोई खरीदार मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, करेक्ट। ये चीजें है ना स्वाति, न आपके लिए न मेरे लिए न शायद हमारे ज्यादा दर्शकों के लिए, ये उन लोगों के लिए जिनके पास अनार इतने ज्यादा पैसे, उनको समझ भी नहीं आता मैं करूँ क्या इसका, सब कुछ करने के बाद भी मेरे पैसे बच रहे हैं, घूमने फिरने मौज शौक, इतनी प्रॉपर्टी, इतना ये गोल्ड फलाना ढिमका सब ले लिया, फिर भी पैसे बच रहे हैं, तब जाके लोग ऐसे में कोई डाक टिकट में पैसा लगाता है, कोई आर्ट में लगाता है, पेंटिंग्स में लगाता है, कोई घड़ियों में लगाता है, कोई वाइन में लगाता है, कोई पुरानी स्टेच्यूज में लगाता है। तो ये उन लोगों के काम के जा रहे हैं। फायदा क्या है इसमें, आपने बोल दिया ठीक है सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो फायदा तो वही इन्वेस्टमेंट में पैसे तो बनते हैं, भाव तो बढ़ते ही है, यही फायदा है। आपको पता है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो एक बड़ा फायदा है। लेकिन इसके अलावा एक थोड़ा सेंसिबल तरीका और है जो दुनिया में बड़ा पॉपुलर है पैसा लगाने का, और वो है करेंसीज। अच्छा, हाँ, अलग अलग देशों की करेंसी। हाँ, हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कई सारे देश हैं जो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स डॉलर खरीद के रखेंगे, क्योंकि जैसा हम मानते थे कि सोना ऊपर ही जाना है, वैसे दुनिया में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि डॉलर मजबूती होना है, मजबूती होना है, डॉलर में पैसा बनेगा ही बनेगा। करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। आपको एक और चीज़ बताऊँ, जितना वॉल्यूम इक्विटी मार्केट में होता है उससे कहीं ज़्यादा कमोडिटीज़ में होता है, मैंने बताया, बिल्कुल, जितना कमोडिटीज़ में होता है उससे कई गुना करेंसी में होता है। अरे पूछे, करेंसी तो इतनी पॉपुलर है, तभी तो करेंसी की ट्रेडिंग चार डिजिट तक होती है, 1.0675 ये कन्वर्जन रेट चार तक जाती है, चार डिजिट तक डेसिमल के बाद। तो कई लोग करेंसी में पैसा लगाते हैं, करेंसी में पैसा लगाने का फायदा है लिक्विड बहुत है, तुरंत बिकता है, है ना, तुरंत खरीदो तुरंत बेचो, ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये वॉलेटाइल बहुत है, ऊपर नीचे बहुत होता है, लेकिन जिनको लगाना लगाते हैं लोग। तो कमोडिटी करेंसी ये रेगुलेटेड मार्केट हैं, जहाँ
कोई रेगुलेटर है, किसी के नियम कानून चलते हैं, सरकार के बैंक, रिजर्व बैंक टाइप के जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके नियम कानून के तहत हैं, थोड़े ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, आपको कोई एकदम बेवकूफ़ बना के नहीं जा सकता, तो ये थोड़े बेहतर तरीके हैं। पेंटिंग्स, पुरानी स्टेचूज, डाक टिकट, वाइन, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनमें रेगुलेशन कुछ खास है नहीं, कुछ खास नहीं। हाँ, वो भगवान भरोसे ही है ज़्यादा, आपके नसीब के ऊपर ज़्यादा है बजाय इसके कि आपकी एक्सपर्टाइज पे है। एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है थोड़ी, बट उतनी नहीं है। तो ये एक और तरीका है जो आप पैसा लगा सकते। तो थोड़ा बहुत जो अदर सोर्सेज हैं, अदर एसेट्स हैं, उनमें करेंसी और कमोडिटीज हमारे यहाँ कम पॉपुलर है, धीरे धीरे अब होंगी कमोडिटीज पॉपुलर। लेकिन वही है कि अब जैसे दिक्कत क्या आती है कमोडिटीज में भी, आपको पता है कि चलिए कच्चा तेल ले लेते, कच्चा तेल का भाव बढ़ेगा, ठीक है, 80 हो गया, 90 होगा, 100 होगा, जो भी समझो आप, आपको लेना है। अब आप कच्चा तेल लेके रखेंगे, ठीक है ना, उसको स्टोर भी तो करना है। एक लोट जो उनका है वो खरीद ले तो आपका कितने सालों का आपका पेट्रोल डीजल का काम हो जाए। तो उसमें आप खाली एक तरह से प्राइस का वो बेनिफिट उठा सकते हैं या वो कर सकते हैं। उसमें सिंपल पॉइंट ये कि आप एक्चुअल कमोडिटी लेकर स्टोर करना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिंपल ये कि आप फ्यूचर में ट्रेड कर लें, भाव ऊपर नीचे हो जाएं, उसका फायदा उठा लें, उतना ही है। मतलब करेंसी हो गया और फिर चाहे फिर हमारे कमोडिटीज हो गया या फिर बाकी आइटम जैसे पेंटिंग्स, वाइन, घड़ी, ये सब है, ये लिमिटेड लोगों के लिए, मैं हर निवेशक के लिए नहीं कहेंगे, पॉपुलर निवेश के तरीके नहीं, वो बहुत अनाप शनाप पैसे वाले जो है ना उनके लिए वो मतलब वो क्लास ही अलग है। लेकिन समझाना जरूरी है भाई, एस्पायर तो करोगे ना, आपको वहां तक पहुंचना है और क्या। तो निवेश से जुड़ी ढेरों बातें करनी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे निवेश के और तरीके, किन किन बारीकियों का ध्यान रखने की आपको जरूरत है, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, यह है चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, और निवेश की तमाम बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। जो सबसे पॉपुलर निवेश का तरीका है वो सबसे पहले एफडी कर दो। एफडी में पैसे डाल दो। एफडी में डाल दो, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना ना, पॉपुलर से ज्यादा आरामदायक है। आरामदायक, हाँ लगा, ठीक है, क्या करना है। दिक्कत वो भी तो है ना कि बड़ा आराम है, डाल दिया वैसा तो करते हैं लोग, ठीक है आराम से हो रहा है, क्या करना है। तो एफडी में कुछ करना नहीं, ढंग ढंग का बैंक ढूंढना है, आराम से मिल जाते हैं, एक गली में चार हैं, ठीक है, गए कोई सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में भी गए, ब्रांच में गए, पता किया, चार बैंक में पूछ लिया आपकी एफडी रेट क्या, आपकी एफडी रेट है, आज तो हर एक चीज नेट पे अवेलेबल है, जिसकी रेट ठीक दिखी, जो बैंक ठीक ठाक से गए, आपने एफडी करा लिया, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, साल भर बाद, तीन महीने बाद, जो भी पीरियड के आप एफडी करा रहे उसका आ जाता है। लेकिन इसको खाली एफडी तक मत रखिए, ये एक और क्लास है इन्वेस्टमेंट की, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, और इसको हम कहते हैं फिक्स इनकम, फिक्स्ड इनकम या डेट या एफडी। इसमें खाली एफडी नहीं, बैंक की एफडी एक है, आप एक दूसरे को उधार देते हो, वो भी फिक्स इनकम में आ गया, ब्याज पे दे रहे हो, ब्याज पे दे रहे हैं। आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर खरीद रहे हो, किसी कंपनी में एफडी करवा रहे हो, कंपनी में भी होती है ना एफडी। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारी कंपनी एफडी लाती है, वो है, ये भी फिक्स इनकम है। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे, बेचो, आप खरीद बेच सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, वो भी इन्वेस्टमेंट है, वो भी इन्वेस्टमेंट, वो एक एक लाख रुपए मिनिमम होता है उसमें इन्वेस्टमेंट। आप कई सारे म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड, इनकम फंड, बॉन्ड फंड, गिल्ट फंड, अलग अलग तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये भी फिक्स इनकम में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, इनको विस्तार से हम आगे समझाएंगे भी। तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये कैटेगरी एक है और इस कैटेगरी को कहते हैं फिक्स इनकम या डेट। सोना, चांदी, रियल एस्टेट और फिक्स इनकम, ये तीन बड़े पॉपुलर तरीके हो गए, अदर्स में चारों में डाल दिया, फिर पांचवा इक्विटी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिक्स इनकम में भी आप अलग अलग तरीके से पैसा लगा सकते हैं, इसमें भी 50 तरीके हैं, कम रिस्क इन्वेस्टमेंट, ज्यादा रिस्क इन्वेस्टमेंट,
एकदम फिक्स इनकम में फिक्स रिटर्न आने वाले भी एफडी भी हो सकते हैं, फिक्स कम वेरिएबल रिटर्न वाले भी प्रोडक्ट होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स प्लानिंग की स्कीम्स होती हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। बुके है, एक बहुत बुके है, बुके है, सीनियर सिटीजन के अलग होंगे, लेडीज के लिए अच्छे अलग होंगे, बच्चों के लिए कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट होंगे, तो आप उनमें अलग अलग मतलब बेतहाशा ढेर सारे हैं फिक्स इनकम के प्रोडक्ट्स, आपके ऊपर है कि आप कैसे लगाना चाहें, किस में लगाना चाहें। तो ये एक बड़ी पॉपुलर एसेट क्लास है जिसमें लोग पैसा लगाते हैं। अब वो अलग बात है, उस पॉपुलर एसेट क्लास में सबसे ज्यादा पॉपुलर एफडी, वो तो ट्रेडिशनल ही रहा। वो ट्रेडिशनली मतलब है ना, ईमानदारी से बताऊं, हमारे जो बुजुर्ग थे ना बड़े आलसी थे, सीखने समझने की कोशिश नहीं की, उनको क्या लगता है ठीक है ना, प्रॉपर्टी वॉपर्टी ले ली, किसी को पूछने की जरूरत। देखो आदमी को डर किस बात से लगता है, डर इस बात से लगता है गलत पड़ गया तो, डर इस बात से, अच्छा सपोज मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया और मेरी वाइफ को पता है और कल को शेयर का दाम गिर गया, अरे बड़े 30 मार्का बनते हो, दिन भर ज्ञान देते रहे, तो तुमने तो कौन सा शेयर लिया, गिर गया तो नीचे देखना पड़ता है, जवाब क्या दोगे आप। यही चीज अगर आप गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, तो कभी आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, एफडी है तो आपको पता है नीचे तो नहीं जाएगा, तो क्या होता है कि आपको डर कम होता है, रिस्क कम है, गलत जाने का खतरा नहीं है, और अगर शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में गलत गए तो कभी आपकी वाइफ बोलेगी नहीं प्रॉपर्टी बेच दो और सोना बेच दो, बिल्कुल है ना। तो इसलिए लोगों को क्या लगता है, यार भाई छोड़ो ना, आराम की जिंदगी जियो ना, कहाँ दिमाग लगाना है, ये दो तीन चीजें अच्छी है ना, कम रिस्क वाली यहाँ करके छोड़ दो, किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वही वाली बात है ना, जहाँ रिस्क कम है, आराम वाला है, और जहाँ दिमाग नहीं लगाना है, तो फिर पैसा ज्यादा कमाता कौन। लेकिन इस कैटेगरी में हाई रिस्क कौन से, कहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है? देखो रिस्क तो इन्वेस्टमेंट में हर जगह है, कम होगा कहीं थोड़ा ज्यादा होगा, जीरो रिस्क वाली तो कोई चीज है ही नहीं। जीरो रिस्क तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी सिक्योरिटीज खरीदते हैं तब भी नहीं है, तब भी है आई मीन सॉरी, क्योंकि कौन सी गारंटी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी फेल नहीं हो सकती, नहीं हुई वो अलग बात है, कई सारी सरकारें आपने देखी ना फेल होते हुए दुनिया भर में, हम नहीं होंगे वो हमारा कॉन्फिडेंस है, होना भी चाहिए, सही भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी है इस बात की कि ये नहीं हो सकता, होने में कुछ भी हो सकता है। तो जब आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि सरकार का गारंटेड बैंक है, ये है वो, बैंक फेल नहीं हो सका, हाँ नहीं होगा, गारंटी है, आज तक नहीं हुआ, लेकिन इसको बात बाहर देखिए ना, 2008 में कितने बैंक डूबे थे, कई सारे बंद हो गए, बिल्कुल आज नाम लेने वाला भी नहीं उन बैंकों का, खत्म ही हो गए ना, 100-100 साल पुराने बैंक डूब गए, तो ऐसा थोड़ी कि नहीं डूब सकते हैं, सब डूब सकते हैं, समय बुरा है तो कुछ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। तो जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करें ये तो भूल जाइए कि रिस्क फ्री है ना, रिस्क फ्री तो कुछ नहीं, और खाली आप अगर सोचते हो कि रिस्क फ्री है, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, तो मैं खाली नोट ही लेकर रख लूं, गद्दे के नीचे बिछा के उसी पे सोऊं, तो नोट तो मेरे, तो नोट की भी वैल्यू गिर जाती है ऐसे टाइम पे। तो इसी एसेट क्लास में एक परफेक्ट बैलेंस कैसे हो सकता है, मतलब एफडी भी हो और इसका सिंपल सॉल्यूशन स्वाति है कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से और रिस्क के हिसाब से अलग अलग एसेट में पैसा लगाना होता है, किस में कितना डालेंगे ये देखना होता है, सिंपल है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, और कोई भी चीज 100% किसी में पैसा डालना, बहुत लोग बोलते हैं भाई मैं तो सारा का सारा एफडी में डालता हूँ, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, सोना हाथ ही नहीं लगाता। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे यार कौन ये इसमें सोना में चाहे रियल एस्टेट में, मैं तो 100% शेयर मार्केट में डालता हूँ, इक्विटी में डालता हूँ, और दोनों ही तरह के लोग गलत है, दोनों ही बेवकूफ है। जो ये सोचते हैं कि भाई हमें तो इक्विटी में डालना ही नहीं है, तो बेकार काम है, सट्टा है, जुआ है, ये मार्केट ऊपर नीचे रिस्क बहुत है, ऐसा बोल के नहीं डालेंगे। और एक दूसरे के हम तो सारा यही डालेंगे, पैसा तो यही एक का दो यही होता है, डबल तो यही होता है, दोनों ही गलत सोचते हैं। हर चीज भाई ऐसा नहीं है ना, आप आपको आपने मुझे डिनर पे बुलाया, मतलब मैं इंडिकेशन ही दे रहा हूँ आपको, ठीक है, और आप ये कहेंगे अनिल जी खाली मिठाई 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 खा लो, या खाना लगा है खाली चपाती चपाती खा लो, सब्जी की जरूरत नहीं, वो मिक्स होना चाहिए ना। तो हर चीज के अपने फायदे नुकसान है, बैलेंस होनी चाहिए, किस उम्र में किस आदमी को कितनी रिस्क लेनी है, और उसके बेसिस पर
आपको कितना इक्विटी में पैसा लगाना है, कितना फिक्स इनकम में लगाना है, कितना पैसा आपको सोने चांदी में लगाना है, कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या कुछ और एसेट क्लास होनी चाहिए, ये मिक्स जब तक आप नहीं बनाएंगे ना तब तक आपको हमेशा रिस्क रहेगी। और ये अलग अलग प्रॉपर्टी में क्यों डाला जाता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कई बार लोग बता यार सबसे बेस्ट बता दो, और सबसे बेस्ट क्या है जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे दे, सबसे ज्यादा कमाई करा दे। बिल्कुल गलत है, आपके लिए जो सबसे बेस्ट है मेरे लिए नहीं होगा, बिल्कुल मेरे लिए जो सबसे बेस्ट है आपके लिए ना हो। कमाई नहीं करनी है, रिस्क के साथ कमाई करनी है, जिसको कहते हैं ना हम इंग्लिश में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। मैं कितनी रिस्क ले रहा हूँ उसके सामने कितनी कमाई हो रही है, दोनों चीज देखनी, जीरो रिस्क के साथ कितनी कमाई होती है और फुल रिस्क के साथ कितनी कमाई होती है, वो कंपेयर करना है। खाली आप ये सोचोगे कि एक किसी में डाल दो उसमें अनाप शनाप कमाई होगी, अरे भाई अनाप शनाप रिस्क भी तो है। जो FD साल में मुश्किल से 8% का रिटर्न देती है, उसी बैंक का शेयर एक दिन में 8% बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो आप सोचो अरे मैं तो शेयर क्यों ना ले लूं, FD क्यों कराऊं, भाई उसी बैंक का शेयर 8% गिर भी सकता है एक दिन में, और साल भर वापस भाव भी ना आए, ब्याज तो छोड़िए आपकी मूल रकम भी खतरे में है। बिल्कुल है ना, तो ये अलग अलग चीजें हैं, आपको इसलिए ये डिसाइड करना है कि एक प्रॉपर आपका एसेट एलोकेशन ऐसा बने कहाँ कहाँ थोड़ा थोड़ा कौन सा पैसा किस में जाना चाहिए, ताकि आपकी रिस्क लिमिटेड हो जाए। जीरो तो कभी नहीं होगी, भूल जाइए कि जीरो है, ये तो मतलब हो एक ऐसा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो खाने में आपके होना चाहिए प्रॉपर मात्रा में, जो आपके शरीर को तंदुरुस्त से लेकर डेजर्ट तक सब डेजर्ट तक पूरा, और ये आपके एज के हिसाब से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यंग से लेकर कमाई रिस्क बचत जरूरत, और प्रोफेशन पर भी डिपेंड करता है, या जैसे हाउस एक हाउसवाइफ हो गई उनकी नीड्स और गोल तो डिफरेंट होगी। किसी कोई भी बड़ी बीमारी के पहले आपको क्या करना होता है कि बड़ी बीमारी है कि नहीं है, सिटी स्कैन करवा लेते ना, अपना फाइनेंशियल सिटी स्कैन करवा लेने का सिंपल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास बैठो, भाई मेरी सिटी स्कैन कर डाल, मेरा सब कुछ समझ ले, मेरी बॉडी में अंदर क्या है, वही मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, और उसके हिसाब से मुझे एक सॉल्यूशन प्रॉपर दे दे, एक मुझे ट्रीटमेंट दे दे जिसे मैं डॉक्टर की एडवाइस की तरह फॉलो करूंगा। सिंपल है, बस वही करना है और कुछ नहीं। और ये जो कुछ थोड़े से लेस रिस्की जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ये जो महिलाएं या हाउसवाइफ्स होती हैं उनको ज्यादा पसंद आते हैं, उनको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए आप कहेंगे? देखिए रिस्क तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको समझ कितनी है, क्योंकि अगर कई लोगों को तो ये लगता है ना कि मतलब फिक्स इनकम, अरे बैंक की FD में भी कोई रिस्क है क्या, आप तो गलत बोल रहे हो, अरे भाई आपको नहीं पता इसका मतलब थोड़ी रिस्क नहीं है, है ना, तो रिस्क तो है, इसलिए कर कोई आदमी ये सोचे कि इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है वो नहीं है। तो आपको पहले सबसे पहले ये समझना है, मैं तो कई बार पूछता हूँ कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है पैसा डूबने के चांस कितने हैं भाई ये तो बताओ, गलत होगा तो कब होगा, नहीं सर ये हो ही नहीं सकता, लिख के दे दे कि इसमें पैसा नहीं जाएगा, मेरा प्रिंसिपल सेफ है, लिख के दे, कोई नहीं देगा। इसलिए रिस्क हमेशा है, आपको खाली समझना है बस। तो रिस्क फैक्टर का ध्यान में रखते हुए और निवेश का सबसे अब दिलचस्प तरीका जिसकी तरफ अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो है इक्विटी शेयर मार्केट, शेयर बाजार, जिसका इंतजार एक्चुअली बहुत सारे दर्शक कर रहे हैं और बहुत डिटेल्स में इसमें हम बातचीत करने जा रहे हैं। वो शुरुआत है, टेस्ट मैच खेलना होता है ना, तो शुरू के वो पहला सेशन निकाल दो, पहले दिन का पहला सेशन जहाँ बॉल बड़ी स्विंग करती है, बाउंस करती है, और वो हमने निकाल दिया, अब हम टेस्ट मैच के लिए तैयार हैं। तो कोई टीजर देंगे? बिल्कुल, अब हम ये समझाएंगे कि आपको इक्विटी मार्केट में कैसे पैसा लगाना चाहिए। तो अब आगे गुरुकुल की जो क्लासेस होगी उसके बाद आप इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे, शेयर क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, सेटलमेंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, मतलब आपके शेयर बाजार से जुड़े हुए तमाम सवाल, छोटे छोटे बेसिक एकदम बारीकी वाले, वो सब बता देंगे आपको, तो ताकि आप जब शुरुआत करना चाहते हैं संपूर्ण ज्ञान, ये होगा अगले एपिसोड में, इसलिए हमारे साथ एक बार फिर से शामिल जरूर होइएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।